गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर नाइन फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी भी पार्ट है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी का और फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है फिस्कल पॉलिसी का मतलब है वो पॉलिसी जो रिलेट करती है गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से और इसीलिए इसे बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी कहा जाता है एंड टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी कहा जाता है जो फिस्कल पॉलिसी है वो डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये एक इंस्ट्रूमेंट्स है प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को एम्प्लॉयमेंट को सोशल वेलफेयर को तो फिजिकल पॉलिसी को जब हम डिफाइन करते हैं तो फिजकल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी का वो पार्ट जो डील करता है टैक्सेशन से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से बोरोइंग से डेफिशियट फाइनेंसिंग से एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्थ डेप्थ से किसी भी इकोनॉमी में तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं फिस्कल पॉलिसी की अकॉर्डिंग टू जे के शॉ फिस्कल पॉलिसी मींस एनी डिसीजन टू चेंज द लेवल कंपोजीशन और टाइमिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टू चेंज द रेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स तो फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी जो कंसर्न करती है विद द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेप्ट व्यू विद टू विद तो अचीविंग डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स देन ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया के मोबिलाईज करना रिसोर्स रेपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दंट्री के लिए इनक्रीज करना रेट ऑफ सेविंग को कंट्री में ताकि सफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्स है वो अपटेन किए जा सके फ्राम विदिन द इकोनॉमी देन इनक्रीज करना रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमी में ताकि जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसको प्रमोट किया जा सके रिमूव करना पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना इकोनॉमिक इनकॉलिटीज को रिड्यूस करना रिपोर्ट डिस्पैरिटीज को अचीव करना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना यूटिलाइजेशन का, देन नेक्स्ट जो आप कह सकते हैं स्कोप क्या है फिजिकल पॉलिसी का फिजिकल पॉलिसी में फोर टेक्निक्स इंक्लूड होती हैं पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी टैक्सेशन पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी एंड डेफिशियट फाइनेंसिंग जो फर्स्ट टूल है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी वो रिलेट करता है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बाकी जो तीन टूल्स है वो रिलेट करते हैं विद इनकम और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ दी गवर्नमेंट जो फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो उसके एनुअल बजट में रिफ्लेक्ट होती है तो फिजिकल पॉलिसी की टेक्निक एक बार हम देख लेते हैं पहला है हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कंट्री में हो रही है उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर दो तरीके का हो सकता है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे उसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है और उतनी कैपिटल प्राइवेट सेक्टर के पास अकेले के पास अवेलेबल नहीं होती इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसकी जरूरत है कि वो इंक्रीज करे पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है कि गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है पब्लिक को फैसिलिटीज देने के लिए डेवलपमेंट कर रही है मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक्सटेंशन कर रही है मींस ऑफ इरिगेशन का कंप्लीट कर रही है पावर प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंशन कर रही है एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज का ये सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर का ही एग्जांपल है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है पहला है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर डेवेलप कंट्रीज जो हैं उसमें बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज नहीं होती तो इन इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं करता क्योंकि रिस्क ज्यादा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट ह्यूज चाहिए होती है सिंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करते आ रही है द नेक्स्ट इज योर सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर एक्सेलरेट करने के लिए रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसे इंकरेज करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो वेरियस सब्सिडीज देती है कंसेशनल लोन्स देती है टैक्स कंसेशंस देती है प्राइवेट सेक्टर को नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट है वो ह्यूज अमाउंट स्पेंड करती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्मूथ हो सके इसके लिए जो डेवलपमेंट है वो करती है रेलवे का पावर प्रोजेक्ट्स का रोड्स का एयरपोर्ट पोर्ट्स हॉस्पिटल ब्रिजेस टनल डैम्स एक्सेट्रा का देन सोशल वेलफेयर के ऊपर जो खर्चा है वो गवर्नमेंट करती है पब्लिक हेल्थ एजुकेशन सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक्सेट्रा के लिए जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है देन नेक्स्ट है हमारा जो टेक्निक दैट इज टैक्सेशन पॉलिसी टैक्सेस इज मेन सोर्स है गवर्नमेंट के लिए इनकम का रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को जो मिलता है वो टैक्सेस से मिलता है गवर्नमेंट दोनों तरीके के टैक्सेस लगाती है डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्टली असेसी पे करता है गवर्नमेंट को जैसे इनकम टैक्स हो गया वेल्थ टैक्स हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस जो इनडायरेक्टली पब्लिक से लिया जाता है और पब्लिक पे करती है गवर्नमेंट को ये टैक्सेस जो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर होते हैं वो पब्लिक से चार्ज करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं जैसे एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी वैल्यू एडिट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जिसे आप कहते हैं एक्सेट्रा जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो प्रोग्रेसिव है नेचर में इसका मतलब जो रेट ऑफ टैक्स है वो इंक्रीज होता जाएगा जैसे ही आपकी जो लेवल ऑफ इनकम और वेल्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी तो जिनकी कम इनकम है उन्हें कम रेट से टैक्स देना पड़ेगा और जिनकी ज्यादा इनकम है उन्हें ज्यादा रेट से टैक्स देना पड़ेगा जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो प्रोग्रेसिव नहीं होते वो सभी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से सेम रेट पर चार्ज किए जाते हैं चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है उन्हें इनडायरेक्ट टैक्सेस सेम रेट से पे करने पड़ते हैं इन 2017-18 जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करते थे 50.9 परसेंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूट करते थे 49.1 परसेंट गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कलेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं टैक्सेशन पॉलिसी के सबसे पहला है टू जनरेट इनकम एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टैक्सेस मेजर सोर्स हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू का इंडिया में जो टैक्स रेवेन्यू है एवरी ईयर वो इंक्रीज हो रहा है जो गवर्नमेंट है वो मोबिलाइज कर रही है रिसोर्स थ्रू टैक्सेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द ईयर 2017-18 अबाउट 71 परसेंट जो रेवेन्यू था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इंडिया में वो आया टैक्स रेवेन्यू से जो रेट ऑफ टैक्सेस हैं वो आपने कम कर दिए जिससे जो टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज हो गया द नेक्स्ट इज योर टू प्रमोट सेविंग जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है टैक्सेशन पॉलिसी का दैट इज प्रमोट करना सेविंग्स को इस पर स के लिए जो गवर्नमेंट है वो वेरियस टैक्स कंसेशन देती है टैक्स डिडक्शंस देती है सेविंग्स के ऊपर अगर आप सेविंग्स कर रहे हो प्रोविडेंट फंड में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में गवर्नमेंट बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा में देन नेक्स्ट इज टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में रूरल एरियाज में वेरियस टैक्स रिबेट्स जो हैं टैक्स जो हैं टैक्स हॉलीडेज बेनिफिट जो हैं वो दिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए

Uh, इसका मतलब जो रेट ऑफ टैक्स है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इनकम सिमिलरली जो जीएसटी है वो हायर रेट पे लगेगा ऑन लग्जरी गुड्स और लोअर रेट पे लगेगा ऑन नेसेसरी गुड्स नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है दैट इज पब्लिक डेप्ट पॉलिसी गवर्नमेंट को बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री की और कोई भी गवर्नमेंट है वो खाली टैक्सेस के भरोसे नहीं रह सकती जो अपने उसकी पैसे की नीड है उसके लिए तो बहुत सारे रीजंस हैं उसके वो क्या है मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो पुअर हैं एडवर्स इफेक्ट होता है ज़्यादा टैक्स अगर आप लगा दोगे उसका सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पर जो टैक्सेस है आप सिर्फ जो पर्सन की टैक्सेबल कैपेसिटी है उतना ही लगा सकते हो तो जो गवर्नमेंट है उसको मोबिलाइज करने पड़ते हैं रिसोर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बाय रिजोर्टिंग टू पब्लिक डेप्ट पब्लिक डेप्ट जो है वहां से गवर्नमेंट दो काइंड ऑफ गेंट है जिससे जो गवर्नमेंट है पब्लिक डेप्ट रेस कर सकती है एक है आपका इंटरनल डेप्ट और दूसरा है एक्सटर्नल डेप्ट इंटरनल डेप्ट में जो आपके रिसोर्सिस आप मोबिलाईज करते हो उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर ये ज्यादा बेनिफिशियल है ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है कलेक्ट करना स्मॉल सेविंग्स को ताकि वो इनकरेज करे लोगों को कि वो और ज्यादा सेविंग करे और स्पेशल एफर्ट्स इसके लिए किए जाते हैं मोबिलाइज करने के लिए रूरल जो स्मॉल सेविंग्स है उनको इंडिया में जो सेविंग्स है कलेक्ट की जाती है फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू कमर्शियल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस जो इंटरनल है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है नाइनटी टोटल पब्लिक डेप्ट का इन द ईयर टू थाउजेंड एक्सटर्नल डेप्ट क्या होता है जो इंडिया है वो अपनी सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इंटरनल डेप्ट से मीट आउट नहीं कर सकती तो उसे बाहर की कंट्रीज से भी बोरो करना पड़ता है तो जो मेन एडवांटेज है फॉरेन लोन्स का वो ये कि वो फॉरेन करेंसी में ही लोन को रिसीव करते हैं और जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है सेवन परसेंट टोटल पब्लिक डेप्ट का इन द ईयर टू थाउजेंड नेक्स्ट है हमारा डेफिशियट फाइनेंसिंग इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर Thank you so much.